नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबर पर। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार। इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने किया अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 90 में से 50 सीटों पर हासिल की जीत, कांग्रेस की उम्मीदों पर फिरापा। हरियाणा में भाजपा सरकार का शपथ समारोह, दशहरे पर होने की संभावना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा को मिली है बड़ी जीत। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, पीएम मोदी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। हरियाणा के फिरोजपुर झिरका सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत। भाजपा उम्मीदवार को 98,441 वोटों से हराया। भूपिंदर हुड्डा भी 71,000 से ज्यादा वोटों से जीते। गुरुगांव से भाजपा उम्मीदवार मुकेश शर्मा 68,045 वोटों से जीते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नेकपा अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने की घोषणा। कहा, यह परिणाम इस बात का सबूत है कि जम्मू कश्मीर के लोग अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ थे। 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस के मुख्यालय पर मंगलवार की सुबह पटाखे छोड़ते, ढोल नगाड़े बजाते और जलेबियां बांटते हुए जश्न का आगाज हुआ। दोपहर होते होते वहां सन्नाटा पसर गया क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी हरियाणा में जीत से हार की तरफ बढ़ गई। कांग्रेस ने हरियाणा में ईवीएम पर फोड़ा हार का ठिकाना। कहा, कई सीटों पर ईवीएम से की गई छेड़छाड़। नारनौल, पानीपत, हिसार, महेंद्रगढ़ में ईवीएम की शिकायत। ओलंपियन विनेश फोगाट हरियाणा के जुलाना सीट पर कांग्रेस के टिकट पर बने विधायक। विनेश ने कैप्टन योगेश बैरागी को 6,000 से ज्यादा वोटों से हराया। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सरन सिंह ने सादा विनेश फोगाट पर निशाना। कहा, फोगाट मेरा नाम लेकर चुनाव जीत गई, इसका अर्थ है कि मैं महान। कांग्रेस निर्वाचन आयोग ने हरियाणा के चुनाव परिणामों के बारे में जानकारी देने में देरी का आरोप लगाया। निर्वाचन आयोग आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, इन्हें प्रमाणित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, हरियाणा चुनाव परिणामों का सबसे बड़ा सबक यह है कि चुनाव में कभी भी अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली जीत दर्ज की। आप उम्मीदवार महराज मलिक ने डोडा सीट पर भाजपा के गजय सिंगराड़ा को 4,538 मतों से हराया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के कम से कम 50 चिकित्सकों ने दिया इस्तीफा। बलात्कार एवं हत्या की शिकार प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के लिए न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे चिकित्सकों के प्रति एकजुटता दर्शाने के लिए डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली पार्टी जजपा का सफाया। पिछली बार 10 सीटें जीतने वाली जजपा को इस बार एक भी सीट नहीं मिली। दुष्यंत चौटाला भी बुरी तरह हारे। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में सर फुटोवल। सांसद कुमारी सैलजा ने राज्य के नेतृत्व और टिकट बंटवारे पर उठाया सवाल। बोली, राहुल गांधी की मेहनत गई बेकार। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद आम आदमी पार्टी और शिवसेना ने कसा तंज। बोले अरविंद केजरीवाल, अति आत्मविश्वास से खतरनाक। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, अकेले भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जीतने वाली शगुन परिहार भाजपा की एकमात्र महिला हैं। शगुन के पिता और चाचा एक आतंकवादी हमले में मारे गए थे। शगुन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का अनुभवी नेता एवं पूर्व मंत्री सज्जाद अहमद किचल को हराया। लगातार जारी गिरावट के बीच शेयर बाजार में तेजी लौटी। बीएसई सेंसेक्स 585 अंक की बढ़त के साथ 81,635 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 217 अंक की तेजी के साथ 25,013 अंक पर बंद। 34 साल की टेलर स्विफ्ट ने रचा इतिहास। रिहाना को पछाड़ बनी दुनिया के सबसे अमीर म्यूजिशियन। फोर्ब्स के मुताबिक टेलर स्विफ्ट की नेटवर्थ है $1.4 बिलियन। 74 वर्षीय अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को आज 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। मिथुन ने कहा कि वे अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। युवाओं को सलाह दी कि सफलता के लिए प्रयास कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप।